हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता और कार्डियक सीरीज में आज बात करने वाले हैं एंडोकार्डियल फाइब्रोलास्टोसिस के बारे में। ठीक है, तो ये मैं आज आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट वी आर सीइंग इन बोथ द वेंट्रिकल्स। तो एंडोकार्डियम को ध्यान से देखिए तो वाइट ग्लिस्टनिंग कॉलेजन डिपोजिशन आपको एंडोकार्डियम, जो इनर मोस्ट लेयर है हार्ट की, उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं और उसमें आपको ये डिपोजिशन दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो एट द मोमेंट मायोमेट्रियम जो मसल है वो थिकेंड नहीं दिखाई दे रही है और कोई आउटफ्लो ट्रैक्ट भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। राइट, सो दिस इज एन अर्ली स्टेज ऑफ एन एंडोकार्डियल फाइब्रोलास्टोसिस इन विच वी कैन हैव दिस पर्ल स्ट्रिंग टाइप कैल्सिफिकेशन विद द कॉलेजन डिपोजिशन इन द एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम है जो कि इनर मोस्ट लेयर है हार्ट की मसल की, वो वाइट और ट्रांसपेरेंट होती है। राइट, वेन एवर वी सी दिस वाइटिश डिपोजिशन ऑफ द कॉलेजन, ए सेलुलर कॉलेजन डिपोजिशन इनसाइड इन द एंडोकार्डियम एंड स्पेसिफिकली बोथ द वेंट्रिकल्स विद ग्लोबुलर हार्ट विद प्रीडोमिनेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इनफ्लो, तो वो एक अर्ली स्टेजेस ऑफ एंडोकार्डियल फाइब्रोलास्टोसिस हो सकता है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जेनेटिकली बहुत हेट्रोजीनियस भी हो सकता है और इन्फ्लेमेटरी रीजन्स भी हो सकते हैं इसके। और चूंकि वर्कलोड बढ़ गया है हार्ट का, इसीलिए आने वाले टाइम पे इट इज़ एन अर्ली स्टेज एंडोकार्डियल फाइब्रोलास्टोसिस, तो मायोमेट्रियम जो एक्चुअल मसल होती है वो भी थिकंड हो जाएगी। तो द बेबी कैन प्रेजेंट विद सॉर्ट ऑफ एन सम स्ट्रेन विद द लेफ्ट वेंट्रिकल व्हेन द बेबी इज बॉर्न, सो फेलियर टू थ्राइव, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, साइनोसिस, इंक्रीज JVP, लंग क्रेपिटेशंस एंड पैनसिस्टोलिक मर्मर फॉर एन TR, और ये अगर पेपिलरी मसल्स को भी इन्वॉल्व कर लेती है और वेल्व्स की भी थिकर हो जाती है तो ये TRMR भी करा सकती है। राइट, सो दिस इज़ हाउ, सो मीनिंग देयर बाय दैट इन्फेक्टिव भी होती है और कुछ वायरल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं जब बेबी, वेन द बेबी इज इन मदर वूम, तो कुछ वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है, बेबी क्लियर भी कर सकता है और ये सीवियर भी हो सकता है। सो दिस इज एन अर्ली स्टेज फॉर एन एंडोकार्डियल फाइब्रोलास्टोसिस, नीड्स टू बी लुक्ड अराउंड, इट इज़ अ सिनिस्टर फाइंडिंग, नीड्स टू बी फॉलोड अप स्ट्रिंजेंटली, और अगर बिफोर डिलीवरी ऐसा मिलता है तो हमको थोड़ा सा सचेत या कॉशियस होने की ज़रूरत है। तो बेबी कैन प्रेजेंट विद सॉर्ट ऑफ एन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर व्हेन द बेबी इज बॉर्न, सो बेबी वुड नीड एडिक्वेट रिसस्टिटेशन एंड वुड नीड अ टर्शियरी केयर सेंटर एंड गुड ग्रेड फोर NICU फैसिलिटीज़। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।